और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती महोत्सव का 22 मई को होगा शुभारंभ। 22 से 24 मई तक होगा श्रावस्ती महोत्सव का रंगारंग आयोजन। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। 22 मई को श्रावस्ती महोत्सव का शुभारंभ होगा। हेमंत बिजवासी की भजन संध्या से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल 23 मई को देंगे प्रस्तुतिकरण। बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खेर 24 मई को देंगे प्रस्तुति। डीएम नेहा प्रकाश के प्रयासों से हो रहा आयोजन। श्रावस्ती विकास एवं संरक्षण समिति है कार्यक्रम की आयोजक। आपको बता दें, पूर्व में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने श्रावस्ती महोत्सव कार्यक्रम का आगाज कराया था, जिसके बाद कोरोना काल में यह कार्यक्रम बंद हो गया था। एक बार फिर से जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय भिनगा में होने जा रहा है, जिसका 22 मई को शुभारंभ होगा। 22 से 24 मई तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें तमाम तरह के रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्कूली विद्यालय के बच्चे भी शामिल होंगे। 22 से 24 मई 2023 के मध्य श्रावस्ती महोत्सव का आयोजन जनपद मुख्यालय भिंडा में कार्यालय जिला पंचायत ग्राउंड में किया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नवत है। दिनांक 22/5/2023 को श्री हेमंत ब्रिजवासी द्वारा भजन संध्या एवं इसी दिन श्री आनंद श्रीवास्तव एवं अन्य कविगणों द्वारा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दिनांक 23/5/23 को VR1 नाम से दिव्यांग बच्चों का डांस कार्यक्रम ट्राईसाइकल पर किया जाएगा। इसी दिन अर्श मोहम्मद, पूजा चैटर्जी द्वारा रियलिटी शो एवं लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल द्वारा लाफ्टर शो का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दिनांक 24/5/2023 को श्री कैलाश खेर गायक द्वारा मेगा बॉलीवुड नाइट का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन स्थानीय कलाकारों एवं विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। श्रावस्ती महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही